हेलो फ्रेंड्स, मैं हितेश कौशल और आप देख रहे हैं विगेंशन। आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। पूरी दुनिया के लिए प्रदूषण गंभीर समस्या बना हुआ है। एयर पोल्यूशन हो या नॉइस पोल्यूशन, दोनों है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। सभी महानगरों में आबादी के साथ साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रदूषण का केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि पक्षियों पर भी गहरा असर पड़ रहा है। घर के नीचे गली में रोज कार के हॉर्न का शोर मचाते बच्चे, एक दूसरे पर चिल्लाते लोग, इन सब से परेशान होकर कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि कहीं दूर चले जाएं, किसी शांत शोर शराबे और रोजमर्रा की हलचल से दूर कहीं कुछ वक्त बिताएं। ध्वनि प्रदूषण आज के दौर में एक बड़ी समस्या बन गई है। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए रिसर्च में दावा किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का असर पक्षियों पर भी बुरी तरह से हो रहा है। रिसर्च के अनुसार इंसानों की तरफ से किए जाने वाले ध्वनि प्रदूषण का असर चिड़ियों और पक्षियों पर हो रहा है। उनकी दिनचर्या, भोजन का इंतजाम और यहाँ तक कि प्रजनन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसका असर पक्षियों की संख्या में लगातार होती कमी के तौर पर देखा जा सकता है। रिसर्च टीम के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर गैरेथ अर्नॉट ने कहा, ध्वनि पक्षियों के लिए एक बेहतर संचार माध्यम है। पक्षी जहाँ तक देख सकते हैं उससे भी कहीं आगे तक वो सुन सकते हैं। पक्षियों का गाना ही एक तरह से उनके अधिकार क्षेत्र को बताता है। अपने अधिकार क्षेत्र या अपने इलाके को बताने के लिए पक्षी एक सुर में आवाज का प्रयोग करते हैं। एक बहुत मजबूत आवाज पक्षियों का सिर्फ अधिकार क्षेत्र ही नहीं बताती, मेटिंग के लिए भी वो खास किस्म की ऊर्जा से भरपूर आवाज ही निकालते हैं। जब भी पक्षी प्रवास करते हैं तो वो आवाज के माध्यम से ही करते हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों से भी पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत से पक्षी या तो रास्ता भटकते हैं या मर जाते हैं। पक्षियों की संख्या पर इंसानी शोर का प्रभाव पड़ रहा है। वन्य जीवों के साथ ही पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए प्रयास किए जाएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिए न्याय भारत पर।